नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो इस समय बज गए हैं 9:30। मैं थोड़ा खाना बनाने आई हूँ, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ परवल की सब्जी। तो देखिए, बिल्कुल नए तरीके से मैं बनाऊंगी, आपको हो सकता है पसंद आए। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैंने परवल ले लिए हैं, इनको हम इस स्टाइल से काटेंगे, अलग नहीं करेंगे। जैसे भरुआ परवल बनता है उसी तरह से इसको काटेंगे। अलग नहीं करेंगे, चाप बड़ा परवल है तो आप 6 फाके कर दीजिए। और आलू नहीं डालेंगे हम आज। और ये देखिए तेल चढ़ा हुआ है मेरा, इससे मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं। मैंने पितृपक्ष का मैं खाना निकालती हूँ, तो ये देखिए ये पूड़ी और ये मीठी दलिया मैंने बना के रख ली है। अब सब्जी बनाते हैं। अभी देखिए ये कढ़ाई चढ़ी हुई, तेल गरम होता है, इसके बाद में परवल फ्राई करते हैं। ये देखिए ये परवल मैंने निकाल लिए हैं। ये देखिए अभी जो एक्स्ट्रा तेल बचा हुआ है, ज़्यादा है, इसको मैं बाहर निकाल दूँगी। देखिए कढ़ाई गरम हो गई, इसमें हम डाल देते हैं अपने तेज पत्ते। और साथ में ये मैंने जो मसाले फूट दिए हैं, गर्म मसाला है, ये देखिए जीरा, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, ये मैं थोड़ा सा दरकचा कूट के डालती हूँ। समूचा जो है उसका फ्लेवर कम आता है, इसलिए मैं इसको हमेशा कूट देती हूँ। तो ये देखिए डाल देते हैं थोड़ा सा टमाटर। जल्दी बन जाने वाली सब्जी है, लेकिन टेस्ट इसका बड़ा अच्छा होता है। आप एक बार जरूर बनाएं। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। डाल देते हैं थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, सिर्फ इससे कलर आता है। इसे डालेंगे कसूरी मेथी। इस सब्जी में कसूरी मेथी का स्वाद बड़ा अच्छा लगता है। ये मैंने घर में बना के रखी है, कल धूप में रखे थे तो ये बिल्कुल से क्रैश हो जाती है। अब देखिए इस सब्जी में, परवल की सब्जी में लहसुन प्याज बहुत जरूरी होता है, लेकिन मैं डालती नहीं हूँ पितृपक्ष में, तो ग्रेवी हमारी कैसे गाढ़ी होगी। तो इसके लिए देखिए मैंने ये मूँगफली है, ये देखिए इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, और इसके बाद इसको दरबरा पीस लिया, सिलौटी या मिक्सी में नहीं, उसी इमाम दस्ते में। तो इसको भी मैं इसी मसाले के साथ भून दूँगी। ऐसी सब्जी आप थोड़ा सा मूँगफली, ये दरकची बनाएं, ये दरबरी क्या बोलते हैं आप लोग? हम लोग के यहाँ दरकची ही हम लोग बोलते हैं, दरकची या दरबरी या थोड़ा खड़ी। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, तेल अगर आप कम डाल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी डाल के मसाले जरूर पकाएं, मसाले कच्चे नहीं अच्छे लगते। उसका हल्दी का और धनिया का स्वाद सब्जी में बड़ा ख़राब लगता है। तो ये देखिए ये पानी डाल दिया, तेल हम कम डालते हैं, तो इस मसाले को हम पका लेते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा मैंने फोरन मसाला बना के रखा है, ये तो भुना पिसा मसाला, ये भी मैं डाल देती हूँ। इसकी विधि मैंने आपको दी थी, ये सारे मसाले हैं इसमें, धनिया, हल्दी, मिर्चा और सारे गरम मसाले सब कुछ है इसमें। तो थोड़ा सा डाल देते हैं लहसुन प्याज छोड़ के, बाकी सब ऐसा नहीं कि बिना लहसुन प्याज के सब्जी नहीं अच्छी बनती। मैं आज कई दिनों से नहीं बना रही हूँ, जब से पितृपक्ष स्टार्ट हुआ है 29 तारीख से, तब से मैंने लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन सब्जी अच्छी बनती है। मैंने करेला भी कल बनाया है। ये देखिए ये मसाले हमारे पक गए। अब ये जो परवल मेरे कटे रखे हैं मैं इसमें डाल दूँगा। अभी देखिए धीरे धीरे इसको भूनेंगे, जिससे इसे सारे मसाले इसके अंदर, ये जो काट के मैंने रखा है ना इसमें, इसके अंदर ये धीरे धीरे करके सारे मसाले इसके अंदर हो जाएंगे, तब इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। देखिए फैलने लगे हैं ना, गर्म में
जैसे ही डालोगे, अभी हम पानी डालेंगे तो और जल्दी ये हो जाएंगे। थोड़ा सा हम भून लेते हैं, परवल में मसाले कायदे से लिपट जाएंगे। और ये जो मूंगफली मैंने डाली है, इसका टेस्ट तो बहुत ही अनोखा आता है, आप एक बार जरूर डाल के देखिए। ये खाली परवल की रेसिपी है, इसको हम देर तक भूनेंगे, मसाला काफ़ी देर तक भूनेंगे। अभी देखिए दोस्तों, मसाला मेरा पक गया है, तेल तो मैंने कम डाला है ना इसलिए, लेकिन फिर भी मसाले में खुशबू आने लगती है। हाँ, भुने मसालों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और इसमें खास करके मैंने मूंगफली डाल रखी है, तो मूंगफली की महक तो बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़ा सा हींग डाल देते हैं, मस्त फ्लेवर हो जाता है हींग से। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ, परवल मेरा पका ही है। ग्रेवी आप अपने अनुसार डालें, जितनी आपको ग्रेवी, मतलब फैमिली के अनुसार, सब्जी के अनुसार। हमारे मुश्किल से 8 परवल 9 हैं, तो मैं थोड़ा ग्रेवी डाल रही हूँ। अभी सब्जी को मैं 5 मिनट के लिए ढक दूंगी, फिर ये देखिए दोस्तों, सब्जी देखिए कितना अच्छा कलर और सब कुछ आ गया है। अब हम इतनी ही गाढ़ी रखेंगे, लेकिन इसी समय इसको थोड़ा सा और रिच बनाने के लिए इसे हम मलाई डालेंगे, गैस स्लो कर देंगे। ये देखिए, इसको खूब तेज तेज चलाते रहेंगे, जिससे इसका कलर जो है थोड़ा रिच लगने लगे। ये देखिए, ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। ये हम लोग अभी राजस्थान गए थे, उम्मेद पैलेस में टिके थे, तो इतना अच्छी वहाँ पे ये परवल की सब्जी, तो मैंने उसी से पूछा था, तो उसने मुझको बताया था, उससे उसकी सब्जी जैसी ही मैंने बनाया, थोड़ा वो प्याज और लहसुन लहसुन के इस्तेमाल किए थे, और पितृपक्ष की वजह से हमने वो ले किया। ये देखिए, तो बिल्कुल वो परवल का कोफ्ता बोल रहे थे इसको, हैं दो बातें बोल रहे थे, कह रहे थे या तो इसको परवल का कोफ्ता कहिए या शाही परवल कहिए, क्योंकि मलाई वो लोग बहुत डाले थे, हमने तो कम डाली है। मलाई से गार्निश भी किए थे, मुझे अभी भोग लगाना है तो मैं सिंपल सी बना ली हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब ये देखिए उबल गया है मेरा। अब अगर आप चाहें तो ग्रेवी और डाल सकते हैं, लेकिन हम ग्रेवी अब नहीं डालेंगे, ये सब्जी ऐसे ही अच्छी लगती है। पूड़ी पराठा से खाइए, चावल से खाइए, ऐसे ही अच्छी लगती है। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट। अब इसमें हम कर देते हैं थोड़ा धनिया की गार्निश। ये देखिए, और इसमें हम डालेंगे ये हरा मिर्चा, और इसको चला देंगे। मिर्चा हम बाद में इसलिए डाल देते हैं कि थोड़ा इसकी खुशबू भी आ जाती, और जिसको नहीं पसंद निकाल के हटा दें। देखिए ये मैंने धनिया डाल दिया। अब देखिए इस सब्जी को, वाह बहुत अच्छी सब्जी बनी हुई है, और बहुत बढ़िया महक उड़ रही है। चलिए अब आपके सर्विस करके आपको। जी देखिए दोस्तों, ये अगर तेज पत्ता नहीं पसंद तो निकाल के फेंक दीजिए। मैं इसको बंद कर देते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हुई। आप बनाएंगे, लोग पूछेंगे किस कैसे बनाया। ये देखिए, और ये जो मूंगफली के दाने हैं, ये इसका स्वाद और बढ़ा देंगे। ये देखिए, लग रहा है कि देखिए, तो अब इसमें हम थोड़ी से धनिया और डाल देते हैं, गार्निश कर देते हैं। ये देखिए, तो ये आपको रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार। ये देखिए परवल इसके इतने टेस्टी तैयार हुए हैं। ये देखिए, बिल्कुल भरवा परवल भी इसके सामने फेल है। देखिए सारी ग्रेवी इसके अंदर चली गई है, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए सारे के सारे ऐसे ही तैयार हुए, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हुई। आप भी बनाइए एक बार, ये एक बार जरूर बनाइए ये सब्जी, और अपने अनुभव मिथिला जी की दुनिया पर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।